सो सर माय क्वेश्चन इज कि इन रीसेंट ईयर लाइक 2019 अबाउट 43% ऑफ मेनली पंजाबीज वेंट टू कैनेडा. सो सम पीपल से कि इत्थे की रखे है इन जनरली मैनी. तो सर इन चीजों से कैसे डील करना है कि क्या ये सच्ची में उधर जाना बेनिफिशियल है या सिर्फ एक मिथ है? तो जाके पता लगेगा नंबर वन, एक तो फर्स्ट हैंड, सेकंड जो गए हैं उनसे पूछने में पता लगेगा. बट यू ब्रॉट अप अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर पंजाबी यूथ राइट नाउ. टू और थ्री थिंग्स. इसमें मैं आइडियलिस्टिक आंसर भी देता हूँ, रियलिस्टिक भी देता हूँ. ठीक है, आइडियलिस्टिक में आप देखें, आप इकोसिस्टम शब्द को समझते हैं. इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे एक तो नेचुरल हैबिटेट होता है, बॉटनी का इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम होता है जैसे कि सारे स्टार्टअप्स इंडिया में, बैंगलोर में क्यों होते हैं, हैदराबाद में क्यों होते हैं, पुणे में क्यों नहीं होते फॉर एग्जांपल, या फिर यूएस में सारे स्टार्टअप्स सिलिकॉन वैली में क्यों होते हैं, उस एरिया में क्यों होते हैं, फ्रीमॉन्ट एंड कैलिफोर्निया वाले एरिया में क्यों होते हैं. इकोसिस्टम बन जाता है. इकोसिस्टम क्या हुआ? जिसने स्टार्टअप किया उसको ऑफिसेस भी मिल गए, उसको लेबर भी मिल गई, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं आसपास, उसको सारा कुछ मिल गया. सो किसी एंटरप्रेन्योर को बिजनेस रन करना उस जगह से ईजी हो जाता है. अगर पंजाबीज के ज्यादा रिलेटिव्स आज मुंबई में होते तो क्या होता? मैक्सिमम माइग्रेशन मुंबई होती. अब क्या हो चुका है? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव अ ह्यूज पंजाबी डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन कनाडा. एंड व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ सेफ्टी नेट. आई हैव अ ब्रदर, सिस्टर, कजन, आंटी, अंकल. वो अंकल जो रोज सुबह सत श्री अकाल बुलाते थे मल्लेज, वो भी जाके वहां पे यू नो वो भी सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं. सो व्हाट हैज हैपेंड इज सडनली जो इतनी दूर चीज थी, जो इतना बड़ा अननोन था, वो नोन बन गया है. देयर इज अ सेफ्टी सिस्टम. सो व्हाट इज हैपनिंग इज ये इकोसिस्टम फीड कर रहा है इसको. ठीक है, राइटली सो. एयरपोर्ट पे पिक करने भी कोई आ रहा है, पहले हफ्ता कोई खाना बना के भी दे रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारा कुछ हो गया. नाउ बट दैट डज नॉट मीन एवरी इकोसिस्टम इज गुड. अगर एक इकोसिस्टम में जरूरत से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स डाल दें क्या होगा? दे विल स्टार्व, राइट? अगर उस इकोसिस्टम में खाना उतना नहीं है बट ऑर्गेनिजम्स और आते गए तो वहां पे उतना फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, राइट? सो देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबॉडी हु वांट्स टू डू दिस इज डोंट गो टू कनाडा और एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर फॉर द सेक ऑफ गोइंग अब्रॉड. ठीक है, लॉट ऑफ यंगस्टर्स पंजाब में ये कॉमन आंसर होता है, आई वॉन्ट टू, नहीं पंजाबी च कहते हैं अब्रॉड जाना, ऐदा करके कुछ समथिंग लाइक दैट, राइट? विच जिसमें उस सेंटेंस में भी ग्रामर गलत होती है. मुझे पता है उस बच्चे की ग्रामर सुन के कि बेटा तेरे को बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, बिकॉज देर आर सर्टन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जॉब्स, राइट? अगर स्किल्ड लेबर जॉब्स में जाना है देन यू नीड अ डिफरेंट स्किल सेट. उसमें पेनिट्रेट करने में कितना टाइम लग जाएगा? इफ यू हैव दैट स्किल सेट और आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिक कोर्स अटेंड करने के लिए जाना है और वो यूनिवर्सिटी कैनेडा में ही है तो जरूर जाओ, और अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया में जाओ, और अगर हैदराबाद में है तो हैदराबाद में जाओ. पंजाबी क्यों नहीं, इंडिया की बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं पूरी तरह से एक्सप्लोर करते? दिस इज अगेन वन क्वेश्चन दैट डजंट फुली, आई डोंट फुली अंडरस्टैंड दिस वन रीजन. मे बी इट्स अगेन द इकोसिस्टम थिंग, बट देयर सो मेनी थिंग्स दैट आर अगेन, डोंट ओवर एस्टिमेट द रिसोर्सेज विच आर ऑलरेडी क्लोज टू यू. दैट्स वन. सेकंड, अंडरस्टैंड दैट एनी पॉपुलर ऑप्शन मे नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन. इट मे बी पॉपुलर राइट नाउ बट इट माइट नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन. सो you've got to filter out what is most important for you. Listen to first hand feedback. Sari cheeze consider kare. Agar aapke paas resources hain to zarur ek chota sa holiday zarur kare before making a major decision. Go for a week, 10 days, go see students kaise reh rahe. Do you see yourself fitting into that? Kya aap wo kar sakte hain? Kya wo karne ke baad, wo struggle karne ke baad jo reward mil raha hai, kya wo worth it hai ke nahi? Phir ek kuch saalon mein aap family start karenge, you will get married and you probably have a family. You see from that point of view, is this something I want to do, right? So don't jump onto something just because everybody else is jumping onto. That's, I think, one of the key factors here. And that's when the labor availability will become higher in that part. You might have better opportunities elsewhere. Main Australia mein tha, main aapko ye example deke finish karta hun. We used to live in Sydney. And ek din ek bachcha hi kahunga usko main, hai toh humari age ka tha, but mama ka ladla tha kafi zyada. To we used to live in a suburb in Sydney called Ashfield. तो एशफील्ड का जो ट्रेन स्टेशन, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे एरिया था, नेटवर्किंग सॉर्ट ऑफ एरिया, जहाँ कॉमन स्टैंडिंग एरिया, लॉबी एरिया. तो वहां मैंने देखा एक पंजाबी लड़का खड़ा हुआ, रो रहा है. मैंने पूछा क्या हुआ? एंड सेड पता नहीं, यू नो इज सो सैड, अपनी स्टोरी सुना रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एनीवे, मुझे ट्रेन कैच करनी थी, मैं निकल गया. हम 8 लड़के इकट्ठे रहते थे इन 4-bedroom अपार्टमेंट. तो हमारे वहाँ एक लड़का था, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलदार बंदा, पलवान के अंदर से, ठीक है, गुड गाय. तो मैं शाम को देखा, मैं घर आया, वो लड़का मेरे घर में बैठा हुआ है. मैं ये तिकदा गया पलवान के अंदर, भाजी ये रो रहा सी, बहुत कला सी, मैं लैन का. मैं कहा इदा करते हैं, एयरपोर्ट से खड़े हो जाने बोर्ड लैके, एनी पंजाबी पर्सन हु डज नॉट हैव अ होम कम इन टू अवर हाउस, नहीं नहीं नहीं, अभी हेल्प करनी है. विल यू बिलीव, उस लड़के को हमने 2 दिन में
नॉर्मल इकोनॉमी क्लास में टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, उसको बिजनेस क्लास में 1.25 लाख की टिकट बुक करके वापस इंडिया भेजा था। 2 दिन में उसका रो के ये हाल हो गया था कि मुझे मम्मी की याद आ रही है, ये देखो मम्मी ने रोटी भी बना के दी थी मुझे साथ में, वो डब्बा दिखा के रो रहा है। मैं कहने मर जाना, इसको भेज दो वापस। यू हैव टू सी व्हाट यू आर मेड ऑफ। नंबर 1, विल यू बी एबल टू गो थ्रू दैट? सेकंड, इज इट वर्थ इट? नंबर 3, लॉन्ग रन में क्या है? नंबर 4, जो बाकी और लोग गए उनका क्या फीडबैक है? नंबर 5, मेरी विसिनिटी में क्या ऑप्शंस है, क्या मैंने वो एक्सप्लोर की है? दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कंसीडर बिफोर दिस। ये सभी पंजाबियों को हम नहीं समझा सकते, पर अगर आपने समझाया आप इनको जरूर फॉलो करें। थैंक यू। माय नेम इज मनीष। मनीष, यस सर, माय क्वेश्चन इज, आई वांट टू नो हाउ डू यू डिवाइड योर टाइम इन क्रिएटिंग आइडियाज एंड डिलीवरिंग देम। सो हाउ डू आई डिवाइड माय टाइम बिटवीन क्रिएटिंग आइडियाज एंड डिलीवरिंग देम? देयर इज नो डिवीजन मनीष, दीज टू थिंग्स हैपन टुगेदर। There is, and ये बाकी लोगों के लिए भी यही मैसेज है, कभी भी आपके लाइफ के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें डिवीजन डिवाइडिंग लाइन नहीं होती, दे हैपन साइमल्टेनियसली। सो हाउ डू आई क्रिएट आइडियाज? आई क्रिएट आइडियाज फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। यू कैन डू द सेम, लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। देयर इज सो मच दैट लाइफ इज विलिंग टू टीच यू, यस नो, इफ यू हैव द आई फॉर इट। सो ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर, लुक एट स्मॉल थिंग्स, लुक एट हाउ पीपल रिएक्ट टू स्मॉल सिचुएशंस, और उससे आपको इतना कुछ जिंदगी के बारे में सीखने को मिलेगा जो किसी यूनिवर्सिटी ने आज तक नहीं सिखाया। बट उसकी कंडीशन ये है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। सो व्हेन, बिकॉज दिस इज माय लाइन ऑफ वर्क, माय आईज, ईयर्स, ऑल सेंसेस आर ऑलवेज ओपन। बौद्ध धर्म में एक कहावत है, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर इमर्जेस। क्या है? व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर इमर्जेस। मैं आपसे शेयर करता हूं एक पर्सनल सिचुएशन, उसके बाद हम इसे रैप अप करेंगे। मेरी वन ऑफ द फर्स्ट कॉर्पोरेट असाइनमेंट आई थी, छत्तीसगढ़ में एक कोल माइनिंग कंपनी थी, काफी बड़ी। तो उन्होंने कहा, सिमरजीत आपको हमें 5 दिन के लिए बुक करना है, हम ऑडिटोरियम बुक करेंगे और 2000 लोग सुबह बैठेंगे, 2000 शाम को बैठेंगे, ऐसे करके हमें इतने 1000 लोग कवर करने हैं। हमारे मिल वर्कर से लेके, सॉरी, हमारे कोल माइनर से लेके सीईओ तक सभी होंगे ऑडियंस में, मिक्स बैचेस में भेजना है हमें। तो बड़ा अच्छा था सारा, बहुत अच्छा लगा मुझे, वी वर लाइक वेरी एक्साइटेड, बड़ा अच्छा बिजनेस आया, अभी शुरू किया था ये काम। तो नेक्स्ट उन्होंने बॉम्ब गिराया, बॉम्बशेल गिराई, आप हिंदी में तो डिलीवर कर ही लेंगे। अब माइंड में रखिए, मैंने सारी प्रिपरेशन, मेरे सारे नोट्स, मेरा सारा जो सब कुछ था वो 100% इंग्लिश में था। अब सडनली दिस हिंदी थिंग हैज कम इनटू द पिक्चर। नाउ आई नो हिंदी, बट स्टेज पे जाके वो ओपनिंग लाइन से एंड तक सारा कुछ एक हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को प्रेजेंट करना स्लाइटली डिफिकल्ट था उस समय। बट हुआ क्या, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर इमर्जेस। मैं अपने मॉडल टाउन की बुक शॉप में गया, जहां कितने सालों से जाता आया हूं, पहली बुक मुझे नजर आई वहां पे उर्दू की शेर व शायरी। जैसे वो जंप करके बुक सामने आई ना, मैंने उठाई, सो मेनी वंडरफुल थिंग्स आई फाउंड। मैं एक पार्टी में गया, तो हमारे फ्रेंड हैं, तो अब नाउ ही इज अ क्लोज फ्रेंड, तो आई मेट हिम, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, सर मैं शाम को रेडियो जॉकी का काम करता हूँ। क्या खूबसूरत हिंदी और उर्दू बोलता था। मैंने टीवी ऑन किया, सबसे पहला चैनल लगा वो कौन सा था, बाबा रामदेव का जो आस्था चैनल, आउट ऑफ ऑल द चैनल्स फर्स्ट वन आई स्विच आस्था चैनल, बाबा रामदेव हिंदी में इतने अच्छी हिंदी बोल के मोटिवेट कर रहे हैं, साथ में फुसफुस कर रहे हैं, अपना योगा भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। मैंने नोट्स लेने शुरू किए, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर। स्टूडेंट रेडी हो, जिंदगी हर मुकाम पे सिखाएगी, आसपास बैठे वाला बंदा सिखाएगा। सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हाउ आई क्रिएट द आइडियाज एंड हाउ आई डिलीवर देम, इट्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली। यस, वेरी इंपॉर्टेंट यू रिकॉर्ड, सो आई डू अ लॉट ऑफ राइटिंग एज एंड व्हेन, आई टेक आउट द फोन, आई रिकॉर्ड वॉइस मैसेजेस, आई टेक वीडियोस, आई डू, मुझे आज ही कुछ अच्छी थॉट मिली है, आज शाम को ये FB लाइव वीडियो कर देना है, उस पर शेयर कर देनी है। जितना जल्दी आप नोट करेंगे अपने आइडियाज को, शेयर करेंगे, उतने चांसेस हायर हैं कि आप उनको कैप्चर कर पाएंगे। अदरवाइज आइडियाज आर लाइक फ्लीटिंग बर्ड्स एंड दे विल वैनिश अवे। सो कैप्चर देम बिफोर दे रन, राइट डाउन अ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, शेयर इट, सो दिस प्रोसेस हैपेंस साइमल्टेनियसली फॉर मी। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट वंडरफुल क्वेश्चन, इट्स बीन अ ग्रेट डे हियर, थैंक यू। मैं पर्टिकुलरली थैंक करता हूँ टू द स्टूडेंट्स हू बीन वेरी वेरी पेशेंट टू स्टे बिहाइंड, and thank you for this wonderful opportunity once again to Mr. Sushil Prasher, Dr. Manoj Kumar, the entire team of faculty who's organized this, everybody who's supported, and the audiovisual team, Vishwa Kapoor, everybody. Thank you.